सो कॉन्टिन्यूइंग माइटोसिस इन द अनियन रूट टिप, ऑलरेडी जो हमने वीडियो देख लिया, अब उसी के आगे इसका एक सिमुलेशन भी है, सो आई एम जस्ट शोइंग यू दैट सिमुलेटर, सो जस्ट वेट. हाँ जी, सो दिस इज द माइटोसिस, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई बेटा, आपको मैं अभी ऑब्जर्वेशन वापस फिर से दिखाऊंगी जो मैंने दिखाई थी एंड में. सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज आप लोगों ने 11th में भी एक्टिविटी करी हुई है ना. सो इसमें माइक्रोस्कोप में 3 लेंसेज शो किए हुए हैं, इफ यू कैन सी हियर, इट इज 10x 40x एंड 100x. ठीक है, 10x इज द ग्रीन कलर में जो लिखा है, 40 इज येलो कलर में जो लिखा है, एंड इट इज 100x विच इज इन द पिंक कलर. बट हमारे माइक्रोस्कोप्स में वी यूज ओनली 10 एंड 40. ठीक है, बट हेयर ऑन द लेफ्ट साइड ये स्केल दिया हुआ है, देखो इधर सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा 40x को लो पावर. वाई? बिकॉज द सेकेंड लेंस दे आर टेकिंग इज द 100x हाई पावर. ठीक है, अदरवाइज लो पावर इज 10x ओनली, नॉट द 40x. 10x ही है, 40x नहीं है. सो दिस इज द 40x, नॉट द 10x विच इज यूज हेयर अकॉर्डिंगली. दो ही लेंस दिए उन्होंने, 40 और 100, 10 का कोई काम नहीं करता. अभी इस टाइम पे हमारे पास 40x फोकस्ड है. अब देखो अगर स्टेज के ऊपर ये जो सर्कल है जिसके नीचे से लाइट अवेलेबल होगी उसके ऊपर सीधा ही 40x पड़ा है, मींस दिस इज वर्क. ओके, नाउ व्हेन वी आर टू व्यू व्हाट द एक्चुअल स्ट्रक्चर वी आर लुकिंग एट, वी बी प्लेसिंग दिस स्लाइड विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज द स्लाइड वी हैव प्लेस्ड अंडर द स्लाइड क्लिप्स, राइट? एंड व्हेन वी व्यू दिस द वेरियस सेल्स दे लुक लाइक दिस. ठीक है, फ्रॉम द आईपीस व्हेन वी व्यू इट, सेल्स जो है वो इस तरह से हमें नजर आएंगे. अगर हम इनको थोड़ा एनहांस करके इसमें देखें एंड आई मूव दिस स्लाइड अ बिट, अब ये देखो बिल्कुल जो पॉइंटर सेंटर में, जो बीच में सर्कल्स के सेंटर में मैं लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, दिस इज द दिस लाइन है ना, सेंटर लाइन जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मीट कर रही है, इफ यू सी. तो दिस लाइन दैट हैज द न्यूमरस ऑफ दिस सेल डिवीजन, इफ यू कैन सी द फर्स्ट सीन इन दिस, यहाँ पे सेल्स में देखो ये क्या है, एक सेल पूरा डिवाइड हो रहा है और ये पोल्स की तरफ जाते पड़े नजर आ रहे हैं, दे आर बट हैविंग द लाइन, वी कांट कंसिडर दिस एज अ डिवीजन. हम इसमें नहीं इसको कंसिडर कर सकते क्योंकि लाइन भी है बीच में. ठीक है, यहाँ पे देखो अब इस सारे सेल में या ये वाला साइड वाला सेल, आपको कर्सर दिख रहा है मेरा? माय कर्सर इज विजिबल टू यू ऑल? समृद्धि कैन यू प्लीज से कर्सर इज विजिबल? समृद्धि unmute yourself and say, is this cursor visible to you? But anybody else, my young, kindly unmute and say, the cursor is visible or not? Yes, ma'am. Okay, right. Thank you. So this is the cells, जो मैं ये दो cells की बात कर रही हूँ, यहाँ पे दोनों cells, ये भी cell, ठीक है, तीनों cells जो साथ साथ में पड़े हुए. अब इनमें अगर आप देखो तो there is the cell which is having the different of the these chromosomes pointing towards different sides, hai na, different sides, ye maximum iska course adjustment hai. To yahan different sides mein point kar raha hai, dikh rahe hain aapko? Hame itne sare cells mein itne sare cell divisions hi nazar aayenge, hardly do ya teen mein nazar aayenge, but yahan pointing towards different sides means this is prophase. Okay, lekin ab is cell mein dekho, यहाँ पे आपको दो सेल्स प्रोफेज जैसे नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस, और सेल पूरी तरह से पार्टीशनड भी नहीं है. इट इज हैविंग द इन बिटवीन देयर इज द वेरी यू कैन से फेडिंग सी लाइन है, मतलब एक बिल्कुल ही फेडेड लाइन टाइप ऑफ की वॉल अभी बन रही है, ऐसा लुक आ रहा है ना इसमें. ठीक है, तो ये वाले सेल को आप लोग कंसिडर करोगे एज टीलोफेज, क्योंकि टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज. ठीक है, इट्स द रिवर्स ऑफ प्रोफेज. So this is the telophase, right? Getting? This is the prophase itself, पूरा, क्योंकि दोनों तरफ walls हैं इसकी, चारों तरफ rather walls हैं. इसमें एक ही cell में, पूरे cell में दो nucleus reverse of prophase हो रहा है, means it is again a prophase. आपको तो यहाँ पे prophase ही नजर आएगा ना, but we consider it as a telophase क्योंकि ball जो है वो अभी faded line की तरह show हो रही है, बन रही है, पर बनी नहीं. ठीक है, next you view it under this particular cell. Let me just kind of bit here. Ab b next mein dekhiye pointer ke niche jo hamari line aa rahi hai next mein. Is line mein dekhiye ye wala line. Theek hai. Ab yahan pe bhi hamare paas cells jo hain they are not very much clear here.
अंडर 40 एच ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है, तो लेट मी चेक इट अंडर 100 एक्स. So this is low bar. Why we are writing low bar? It is because now the lens has been shifted. It is 100x, and now we place the slide over the microscope and we view it. अब देखो, now the cells are quite very clear, है ना? The stages under 100x, but we can't make the 100x. Okay, 100x जो है वो हमारी लैब्स में नहीं बना सकते. ठीक है, हमारी लैब्स में हम 100x नहीं यूज करते. तो यहाँ पे देखो, ये सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में है ना, ये दोनों में, पॉइंटर के नीचे, ये सेंटर मिडल में, तो ये एक लाइन में है, लाइन में अलाइंड है सारे के सारे. कैसे अरेंज है देखो, एक लाइन में, यहाँ पे भी सारे, ये भी, इसमें भी, इधर भी, है ना, ये आपको भी ऐसे. Ma'am, you are not audible. I was not audible. Now I'm audible. Yes, ma'am. Actually, there were some light fluctuations, so maybe uski wajah se. माइक ने डिस्कनेक्ट किया हो. अभी मैंने आपको बताया जो मेटाफेज, एनाफेज सुना आपको. मेटाफेज देखो, ये वाले सेल्स जो हैं, ये मेटाफेज शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे इकट्ठे पड़े सेल्स मेटाफेज शो कर रहे हैं दोनों लाइन. ठीक है, मेटाफेज क्यों? क्योंकि ये एक लाइन में ऐसे अरेंज है. आपने बेटा पता क्या करना है, जब आपने व्यू कर लिए, एक्चुअली आप इसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो, है ना, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे आपने, तो यू विल बी श्योरली परफॉर्मिंग इट. And this activity, this practical will be there in the performing. The performing activity है. Slide बनेगी, examiner को show करनी है और stage के साथ show करनी है. सबसे बड़ा काम ये. अब अगर आपके slide में ये chromosome ही ना आए, ऐसे वाले जो chromosomes हैं, कुछ नजर नहीं आ रहे, या आपने identify कुछ किया, जैसे आपने suppose इसको prophase लिख दिया, तो आपके number पूरे कट गए. ये वाला cell जो मैंने mark किया हुआ है, जिसमें pointer है, तो ये अगर आपका नहीं सेल आपने अच्छे से आइडेंटिफाई किया, तो ऑप्शन नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई. और ऐसे ही नजर आएंगे आपको, सेम टू सेम ऐसे ही नजर आएंगे, विद द सेम कलर्स आल्सो, बिकॉज दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग इट विद एसिटोकार्बन. हमारे तो वैसे रेडिश में ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम सेटोनिन भी डालते हैं. मैंने प्रोसीजर बताया था आपको पिछले पीरियड में. सो दिस इज द ओनली विच पार्ट वॉज लेफ्ट, दैट इज सिमुलेटर. नाउ कैन यू पीपल आइडेंटिफाई विच इज दिस सेल? Raise your hand. मेरा pointer है जहाँ पे. Which stage is being shown here in this cell? जल्दी जल्दी बताओ, मैं देखूँ आपके concept clear हुए कि नहीं identification में. क्योंकि जब आप आओगे बेटा, हमारे पास इतना time नहीं होगा कि हम आपको ये स्टेज भी बताएं कि कैसी नजर आएगी. बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा दिखेगा उसमें माइक्रोस्कोप में. तो आइडेंटिफाई करना आपके ऊपर है, आप सही आइडेंटिफाई करते हो कि नहीं. ठीक है, सिर्फ बनाना एक काम नहीं है, आइडेंटिफाई करके सही नाम लिखना भी दूसरा काम. अब बताओ मुझे, ये वाली पॉइंटर वाली कौन सी स्टेज है? Raise your hand. Yashika, can you say what is this slide? What is the stage shown in the pointer where I was pointing here, or this one? Yashika, unmute yourself. Mohan sir, anyone? Samridhi. बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको identification समझ आ रही है? हाँ जी समृद्धि बोलो. मैम इतना क्लियरली विजिबल नहीं है. विजिबल नहीं है, क्यों नहीं है? मतलब समझ नहीं आ रहा देख के इसके. तो वही तो मैंने बोला ना, अभी इसमें इतना क्लियर है तो नहीं समझ आ रहा आपको, स्लाइड पे कैसे दिखेगा. एटलीस्ट उसके सारे डायरेक्शंस तो देखो ना, क्रोमोसोम एक ही तरफ सारे पॉइंट कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में कर रहे हैं, तो देखो एक लाइन में अलाइंड है, दो पोल्स में है, कैसे नजर आ रहे हैं, उससे आइडेंटिफिकेशन देखो ना.
What is this cell showing? Try at least. Please try saying something. Maybe. Ma'am, prophase? Yes, this is a prophase. Very right. Because देखो सारी तरफ ये circular manner में irregular manner में इधर उधर pointed हैं यहाँ पे तीनों cells में 1, 2, 3 ठीक है okay now the next is Tushar you tell me what is this stage ये वाला जहाँ मेरा pointer है Tushar unmute yourself and say what is this metaphase ये सारे cells एक ही stage show कर रहे हैं metaphase ठीक है ऐसे ही आपको आइडेंटिफिकेशन में भी आती हैं स्लाइड्स मतलब आप लोग को स्पॉटिंग में आएंगी ये ऐसा पूरा स्लाइड शो कर दिया जाएगा इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होंगी और किसी एक को मार्क कर दिया जाता है इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सी है ठीक है ये भी आपका एक स्पॉटिंग वाला काम भी हो जाता है इसी में एंड नाउ द नेक्स्ट मानसी यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द स्टेज शोन हियर इन दिस सेल मानसी अनम्यूट योरसेल्फ यहाँ पे कौन सी स्टेज है एट लीस्ट ट्राई सेइंग समथिंग मानसी इस सेल में यहाँ पे सब में सेम स्टेज है दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे बता दो कौन सी स्टेज है टिलो फेज नो टिलो फेज दिस इज यशिका आप बताओ यशिका आर यू देयर अंजू तुषार आप बताओ एनाफेज क्योंकि दो पोल्स में जा रहे हैं मानसी देखो इसको ध्यान में देखो ऊपर और नीचे दो पोल्स नहीं बने हुए है ना तो दैट इज एनाफेज और यहाँ जो बल्क में सेल्स पड़े हैं ये वाले बिल्कुल प्रॉपर राउंडेड है ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे सारे सेल्स जो राउंडेड पूरे बड़े बड़े सेल्स ये वाले पड़े हैं ना ये देखो ये वाला सेल है जो अब ये वाले सेल में कोई भी क्रोमोजोम्स नहीं नजर आ रहे हैं है ना इट्स अ लाइक अ राउंडेड मास ऑफ अ न्यूक्लियस अभी तक तो ये सिर्फ एक न्यूक्लियस की तरह ही नजर आ रहा है सो दिस न्यूक्लियस दिस मास दैट इज ऑन विच स्टेज दैट इज अ इनिशियल स्टेज इट्स अ आई फेज इंटरफेज पे है अभी ये ठीक है डिवीजन करेगा तो प्रोफेज बनाएगा प्रोफेज से मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज करेगा लेकिन फिलहाल के लिए इट हैज नॉट अंडरगॉन इट हैज नॉट स्टार्टेड विद द एम फेज एंड सो इट इज ऑन द इंटरफेज ठीक है सो दिस सेल शोज द इंटरफेज क्लियर टू ऑल सो दिस इज हाउ यू विल बी आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट फेजेस आपने इस तरह से अपने सारे पेजेस जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं इवन व्हेन यू आर सपोज टू शो द स्लाइड टू द एग्जामिनर और व्हेन यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई ऑन द आइडेंटिफाइंग स्पॉट्स ठीक है जो स्पॉटिंग आती है उसमें भी अगर आपको आता है तो वहां पे भी आप ऐसे करेंगे ठीक है एनी क्वेश्चन एनी डाउट टू एनीवन जी एनीथिंग यू वांट टू आस्क मैम जो अभी आपने लास्ट वाला दिखाया जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं था उसमें हमने क्या लिखना है इंटरफेस वो एक राउंडेड मास है ना कोई धागे जैसे स्ट्रक्चर्स तो दिख ही नहीं रहे मतलब अभी प्रोफेज अभी क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू ही नहीं हुआ जो पहली स्टेज में प्रोफेज वो शुरू ही नहीं हुई तो फिर इसका मतलब क्या है वो अभी एम फेज से पहले ही है इंटरफेस पे ठीक है इंटरफेस लिखेंगे आप उसको इंटरफेस ठीक है ज्यादातर बच्चों को इंटरफेस ही नजर आती है दूसरी स्टेजेस नहीं नजर आती बट इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन इफ यू गेट दैट एनाफेज या मेटाफेज में से कोई या टेलोफेज में से कोई ऐसी कोई स्टेजेस मिलती प्रोफेज तो आप लोग का इंप्रेशन अच्छा आता है बस इतनी बात ठीक है तो इफ यू कैन लोकेट इजीली यू प्रोबेबली शो दो स्टेजेस एंड इफ नॉट देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग शो द इंटरफेस ठीक है दैट इज ऑन द सेकंड प्रायोरिटी ओके राइट सो वी हैव फिनिश्ड विद द टू ऑफ द एक्टिविटीज ठीक है Out of three, the practicals, what we were supposed to do. So two activities I have completed and the third one will be completing it in the next week. And also you will be, if in between also we'll be getting any of the arrangement periods, then definitely I'll be making that for the practicals. ठीक है तो आपका practical का भी syllabus एक बार सारा खत्म हो चुका होगा तो you'll be comfortable giving the exams.
ठीक है, क्रिटिकल एग्जाम्स पे आप फोकस कर पाओगे. सो मेक योर फाइल्स, कंप्लीट योर फाइल्स एंड सेंड इट मी ऑन दिस मंडे, दैट इज कमिंग मंडे. कंप्लीट इट एंड सेंड द फाइल्स फॉर द टू एक्टिविटीज वी हैव ऑलरेडी डन, वाटर एंड दिस माय क्लासेस. ओके, एनी क्वेश्चन? टिल वी हैव 9 मिनट्स, सो आई विल बी आस्किंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम बायोडायवर्सिटी. एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल इफ यू हैव? जी हाँ जी, कुछ हम कितने एक्सपेरिमेंट देने हैं? क्या हमें कब तक देनी है? कितने एक्सपेरिमेंट देने हैं फाइल में? जो आपने कितने करवाए थे अभी? 3 हैं टोटल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, 2 हमने कर लिए. ठीक है, सॉइल सैंपल वाला रह गया, वो छोटा सा एक्टिविटी है, वो 1 पीरियड में खत्म हो जाएगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये थोड़ी बड़ी एक्टिविटी है. इवन जब आप परफॉर्म करते हो तो हमारे एक बारी में कंप्लीट भी नहीं होती, आपको रिजल्ट ही मिलते हैं, तो सेकेंड टाइम फिर से करनी पड़ती है. Because so it's a big activity and this needs particular you can say skills to be performed. To get to perform this activity. Hanji, anything you want to ask further?